परसुख ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस लड़के को कैसे सौंपी? ये हक तो विजय का है। नहीं, ये गलत हो रहा है। परसुख ऐसे कैसे कर सकता है? इसका जवाब हरसुख के लिखे इस पत्र में, जो उसने मुझे लिखा कोमा में जाने से पहले। जो सही है मैं उसी का साथ दूंगी। मैं अपने बड़े बेटे का साथ दूंगी। हरसुख के फैसले पर मुझे भरोसा है। पर बाप, विजय का अनुभव? विजय के अनुभव से मेरा अनुभव ज्यादा है, समझी? मैं चौथी पास, फिर भी मुझे पता है कि कॉर्ट की डिग्री क्या है और पावर ऑफ अटॉर्नी भी क्या है। ये सब मैंने अपने निसाल में नहीं पढ़ा है, पर अपने अनुभव से और अपने विश्वास लोगों के साथ सीखा है। ज्ञान बड़ी बड़ी डिग्री दिला सकता है, पर वास्तविकता का ज्ञान सफलता दिलाती है। और ये मत समझना कि पावर ऑफ अटॉर्नी मिलते ही तू मालकिन बन गई। हाँ, तेरा हक बड़ा है, पर हक के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और ये जिम्मेदारी तू सही तरह से निभाएगी ना तो अपनी और सारे परिवार की बरकत होगी। महीन भाई, ये ट्विटर चलाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए शांति, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी, सेवंती बाकी की सफाई कर लेगी, तू चाय नाश्ता कर ले। बाप को चाय दे। जी। जय भगवान। जय महादेव। बापू जी को चाय दे। हाँ। लक्ष्मी, आज तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। क्योंकि हमारी ऑफिस में सेल्स और परचेज की पूरी टीम आ रही है एनुअल मीटिंग के लिए। मेरा मतलब है कि सालाना मीटिंग के लिए। उनको भी तो पता चले कि हरसुख भाई के बाद पूरा बिजनेस तुम हैंडल करने वाली हो। ऑफिस जाने से इतना घबरा रही हो? बिजनेस कैसे संभालोगी? हाँ बेटा, आज तो सिर्फ तुझे सबसे मिलने जाना है। देखो, आज के बाद ये सारी जिम्मेदारियां
परछाई बनकर तेरे साथ चलेगी। और अपनी परछाई से भला कोई कभी डरता है? राइट, डरना रॉन्ग। डर लग रहा है? चल मेरे साथ। तुझे पहचानती है? बापू, इनके पास ना शस्त्र था ना ही फौज, फिर भी अंग्रेजों को मजबूर कर दिया देश छोड़ने के लिए और भारत को आजादी दिलाई। जब आजादी की लड़ाई शुरू की ना, तब तो सपना था, पर उसे हकीकत में बदला गांधी जी के बुलंद इरादों ने और निडर स्वभाव ने। अगर वो सारे देश की जिम्मेदारी ले सकते तो तू एक कंपनी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? आगे चलेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे? मैं आगे बढ़ूंगी बा। आज तक मैंने जो कुछ भी पाया है भगवान के और बड़ी लोगों के आशीर्वाद से पाया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। और पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करना। दही शक्कर खाकर जाने से शगुन होता है। अपने आप पर भरोसा रख, हम सब साथ हैं तेरे। पराग चलो निकलते, वैसे ही बहुत लेट हो गया है। चल लक्ष्मी चलें। ऑल द बेस्ट बॉबी। ऑल द बेस्ट। कहो क्या बात है? हम आपसे क्या छिपाए? आप तो मेरी सिचुएशन जानते हैं ना, आपकी सलाह लेने आया था। बोलो। वकील साहब, मुझे फिल्म बनाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन पापा ने मेरे बारे में न्यूज़पेपर्स में जो छपवाया उसके बाद कोई बैंक कोई फाइनेंशियल कंपनी मुझे पैसा नहीं देगी। तो मुझे पुरोहित परिवार की जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए। देखो सूरज, अगर तुम अपने हक के लिए कोर्ट में केस करोगे तो इसमें तुम्हारा फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, और कोर्ट में केस करने के लिए लाखों रुपए जमा करने पड़ते हैं। मुकदमा कितने साल तक चलेगा यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता, और फैमिली से रिलेशंस बिगड़ेंगे सो अलग। देखो मेरी राय मानो तो तुम लक्ष्मी को शांति से समझा बुझा कर अपना पैसा मांगो, क्योंकि उसके पास पावर ऑफ अटर्नी है। और ये मत भूलो कि वो अभी तुम्हारी पत्नी है, वो चाहे तो तुम्हें पैसे दे सकती है।
आओ। गुड मॉर्निंग सर। आओ लक्ष्मी, कम, यही हमारा ऑफिस है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे लक्ष्मी, अंदर आओ। एक बार सबसे मिल लो, कम। अटेंशन एवरीबॉडी। लक्ष्मी, आज से ये तुम्हारा स्टाफ है। एंड एवरीबॉडी, ये है मिसेज लक्ष्मी पुरोहित। जब तक डैड ठीक नहीं होंगे, सारी डिसीजंस यही लेंगे। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। नाइस टू सी यू मिसेस पुरोहित। जय महादेव। जय महादेव। पराग जी का लक्ष्मी, चलो मीटिंग के लिए देरी हो रही, कम आजो, आजो, आओ, कम। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? परचेज एंड सेल्स स्ट्रेटजी। ऑल राइट, आओ। सब लोग आ गए हैं तो शुरुआत करते हैं। मिस्टर पाठक, आई वांट यू टू गिव मिसेस लक्ष्मी पुरोहित ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस। शी इज गोइंग टू बी टेकिंग ओवर फ्रॉम मिस्टर हर्षोक पुरोहित। ऑल आर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, आर बिजनेस स्ट्रेटजीज, आई वांट हर टू बी अपडेटेड ऑन ऑल द इन्फॉर्मेशन। लक्ष्मी बैठ जाओ। ये कुर्सी, अच्छा तुम इस पर बैठोगी जिस पर पहले कभी हर्षोक भाई बैठा करते थे। आगे चलेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे? अरे लक्ष्मी, ये नहीं पराग जी, मैं यहाँ बापूजी की जिम्मेदारियां संभालने के लिए आई हूँ। उनका ओहदा या उनका हक लेने के लिए नहीं। इस कुर्सी पर बापूजी का हक है और उन्हीं का हक रहेगा। वो जल्दी वापस आ जाएंगे। आप लोग यहां उस इंसान के बारे में जानने आए हैं जो श्री हर्षोक पुरोहित का प्रतिनिधित्व करने वाली है, इसीलिए मैं आपको अपने बारे में बताना जरूरी समझती हूँ। आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैं सिर्फ 7वीं कक्षा पास हूँ। मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, इसीलिए आप लोगों से मैं हिंदी में बात करूंगी। मैं यहां इस जगह बैठी हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी मालकिन हूं या सेठानी हूं, बल्कि आप लोगों की तरह इस कंपनी का हिस्सा हूं।
हमें इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। श्री हरसुख पुरोहित के सपनों को पूरा करने के लिए और इन सब चीजों के लिए मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अगर ये सब पूरा हो गया हो तो हम मीटिंग शुरू करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, कम ऑन। यस सर, सबसे पहला पॉइंट है बाजार में रॉ मटेरियल की कीमतों का बढ़ना, जिसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गई है और हमारा मुनाफा भी काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अगर हम अपने माल की कीमत बढ़ा दें तो हमारी सेल कम भी हो सकती है। एक काम करो, हमारे माल के 50% दाम बढ़ा दो और उसे 30% डिस्काउंट में बेच दो, जिससे हमारा माल भी बिक जाएगा और हमें मुनाफा भी होगा। दैट्स अ गुड आइडिया विजय काका, वो आइडिया हम यूज कर सकते हैं। सर दूसरा मुद्दा, पिछले महीने हमारी फैक्ट्री में जो कपड़ों का स्टॉक मैन्युफैक्चर हुआ है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से सारे माल का रंग फीका पड़ गया है, उस माल का क्या करें? कितने का माल होगा? सर करीबन 25 लाख। एक काम करो, ये माल जिस सुपरवाइजर के निगरानी में बना है उसे आज ही नौकरी से निकाल दो। सर और बात रही माल की तो उसे 10% डिस्काउंट में मार्केट में रख दो, पूरा माल बिक जाएगा। पर विजय काका ये तो गलत है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इससे ज्यादा नुकसान होगा। मुझे माफ कीजिएगा लेकिन इस तरह खामी वाला माल बेचकर हमारे ग्राहकों के साथ नाइंसाफी होगी ना? एक बात बताओ, तुम बिजनेस के बारे में जानती हो कितना? विजय काका, मैं इस व्यवसाय के बारे में ज्यादा नहीं जानती लेकिन अगर एक आम ग्राहक की तरह सोचा जाए तो मैं पुरोहित कंपनी का माल उसके अच्छे गुण की वजह से लेती हूँ और अगर हमारे माल में पीछे से कोई खोट निकला तो ग्राहकों का पुरोहित कंपनी में से विश्वास पूरी तरह चला जाएगा। विजय काका, कहीं ऐसा ना हो कि लाखों बचाने के लालच में हमें करोड़ों का नुकसान हो जाए। I have to admit, विजय काका, लक्ष्मी की बात में दम है। Do you think so? I'm sure. Yes, sir. मुझे भी लगता है लक्ष्मी जी का सुझाव बिल्कुल सही। आज हमें यकीन हो गया कि हरसुख भाई ने अपने बिजनेस की बागडोर बिल्कुल मजबूत हाथों में सौंपी है। सर कहाँ जा रहे हैं आप? ये मेरी कंपनी है। सूरज, लक्ष्मी चेकबुक निकालो, मुझे पैसे चाहिए। सूरज आप लोग जाइए, हम लोग बाद में मिलते हैं। लक्ष्मी मुझे फिल्म बनाने के लिए पैसे चाहिए, उस परिवार की जायदाद पे मेरा पूरा हक है, समझी तुम? सूरज लेकिन पापा जी। पापा नहीं है तो क्या हुआ, 12 फटनी तो तुम्हारे पास में ना। लक्ष्मी चुपचाप चेक साइन करो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। सूरज बापूजी की तबीयत नहीं ठीक है और आप ऐसे। लक्ष्मी मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप वो करो। सूरज सूरज मुझसे बात करो बेटा। और तुम हक की क्यों बात कर रहे हो? मेरे सामने देख कितने पैसे चाहिए, मुझे बता मैं दूंगा तुम्हें। विजय काका ठीक है, ये पैसे मांगने का तरीका नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें, ले जाओ हमारे कैबिन में, चलो अभी अभी दे देते हैं। चलो नहीं पराजी, मैं
मुझे माफ कर दीजिए सूरज, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दे सकती।